नाजीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मार्केट के सदर भी मौजूद हैं, मलिक रियाज साहब, मेजर यासीन साहब जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, शालम मार्केट के सदर जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ आसिफ भट्ट साहब भी मौजूद हैं जो इलेक्ट्रिक मार्केट के नायब सदर हैं, हमारे साथ जावेद साहब भी मौजूद है जो यहाँ पे पार्किंग के इशूज़ को देखते हैं, और हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम हाजरीन को मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। अभी ये जावेद साहब जो पार्किंग का इशू यहाँ पर देखते हैं, उन्होंने मुझे एक लेटर दिखाया, ये लेटर क्या है सर? ये लेटर है मैडम, कल हमने जो डी प्लाजा में गए हैं, इतने खुली जगह है जहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी भी नहीं लग रही थी, हमने उनके बंदे उठा लिए हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, तो सदर साहब हैं कि हम आपको लिख कर देते हैं, कहता हम सामान जो पीली लाइन लगाई गई है गवर्नमेंट ने उससे बाहर नहीं आएंगे, ये उन्होंने हमें लिख के दी है। सर अच्छा बात ये है कि जहाँ पे भी इदारे अपनी डिट कायम करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग इस तरह के लेटर दे देते हैं, आप लोग इस तरह की सिफारिशात दे देते हैं, सर किस तरह से लॉ इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये बहरहाल जिन्होंने लिख के दिया है, पहली बात ये ना तो ये इलेक्टेड है ना ये रिप्रेजेंटेटिव है, सादे पेपर पे बाहर आ गए, फंस आप गए हैं। आपने क्यों माना इसे जी? इसे क्यों माना आपने? ये उन्होंने हमें लिख के दिया, कहते हम कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। आप इसको कबूल ही नहीं कर सकते थे? आप नहीं कबूल ही, लिख के दिया कि हम कंट्रोल करेंगे, सदूर है ये, मार्केट के सदूर है, जिम्मेदारान है, ठीक है, वो इनको अपनी जिम्मेदारी ली है उन्होंने, और कहते हैं कि हम उनको जो एनक्रोचमेंट जो वायर करते हैं उनको कंट्रोल करेंगे। जवाब मैं आपको देता हूँ जी, हमारी कोऑर्डिनेशन हमेशा अपर लेवल पे भी रही है, इनके सीसीटीओ जो हैं उनसे भी मेरी मुलाकात रहती है, इनके डिप्टी जो हैं उनसे भी मेरी मुलाकात रहती है, ये भी मेरे छोटे भाई खड़े हैं। हमारी जो बेसिक कंट्रोवर्शल बात ये है कि हमने हमेशा इनको कहा है कि जी आप जो भी मामला करते हैं हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के साथ करें, दे आर लैकिंग कोऑर्डिनेशन एब्सोल्युटली, दे आर एट देयर ओन, ये देखें जिसका जहाँ मर्जी दिल आता है वो जो अपनी चीज़ें यहाँ पे छोड़ के चला जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप फिर हुकूमती इदारों को लेटर लिखते हैं कि इन्हें माफ़ कर दें। इसमें बात ये है, देखें ये डेली वेजेस वाले लोग हैं, आप इन पूरी मार्केट में देखें जितने भी लोग आते हैं, इन्होंने लोडिंग अनलोडिंग लाजमी करनी होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सामान कोई आसमान से हेलीकॉप्टर पे आएगा, दे आर वेरी पुअर पीपल, हम इसी तरह लाखों कानूनियत में जीते रहे मेरा ख्याल से, है ना? बिल्कुल। अच्छा इसमें मदिया ये है कि शालम मार्केट जो है ये लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें तकरीबन 32 मार्केटें हैं छोटी बड़ी, हर मार्केट का सदर अलग है, ये एक बाकायदा बोर्ड है, और इस पूरी मार्केट के लिए सिर्फ एक पार्किंग प्लाजा है जो कि हुकूमत की तरफ से दिया गया है, दो प्लाजा जो हैं वो मंजूर हो चुके हुए हैं लेकिन नक्शा तक उनके तैयार हो चुके हुए हैं, एक शेरावाला बाग में और एक मोची बाग में। कदा कलामी के लिए माजर चाहती हूँ, पीछे बहस हो चुकी है मार्केट के सदर और वार्डन के दरमियान में, जरा वो मामला क्या है हम जरा देखते हैं, क्यों ये मामला जो है खराब, जरा साइड पे होइएगा, जगह दे दें, जगह दे सर, क्या हुआ? वो हमें कह रहे हैं जी जो आप कार्रवाई करेंगे हमसे कोऑर्डिनेटर के बगैर आप कार्रवाई नहीं कर सकते जी, आप हमें पूछे हॉर्न्स की आवाजें आ रही है, हम साइड पे होके बात करते हैं, साइड पे होके हम बात करते हैं, साइड पे हो जाइए, जरा साइड पे आ जाइए, आ जाइए इधर, चलिए जी इधर आ जाइए, मलिक साहब इधर आ जाइए, मलिक रियाज साहब सड़क छोड़ दे जरा, ट्रैफिक को रवा रहने दीजिए, आ जाइए बोलिए क्या हुआ, एक सेकंड मलिक साहब क्या हुआ? ये हमारे भाई है जो ट्रैफिक का काम कर रहे हैं इधर, और इनका तावन हमें दरकार है, लेकिन चूंकि ये शालमी है आपको पता कमर्शियल एरिया है, इसमें कुछ कोई गाड़ी माल लोड करती है कोई अनलोड करती है, उस वजह से हम ये कह रहे हैं कि हम आपस में कोऑर्डिनेशन करके इंशाल्लाह ताला जो बेहतरी हो ट्रैफिक के मामले में उसको इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, इनके साथ मिलकर करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा जो पिकअप वाला है जो अगर वो खड़ा है तो उसको आप फाइन कर दें, ठीक है, लेकिन हाँ उसको पर्चा आप दे देते हैं, वो बेचारा परेशान होता है, फिर हमारे पास आता है दुकानदार हमारा है, वो हमें कहता है जी हमारा माल लोड कर रहा था इनलोड कर रहा था, अब उसको फाइन कर रहे हैं, हमने भी उसको जो काम कर रहे हैं एफआईआर दर्ज करना, वो एकामात पे अमल कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, कर सकते हैं, हाँ ये फाइन कर सकते हैं, आपके जुरिसडिक्शन है ताजीरात पाकिस्तान जो बनाई है ये गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बनाई है, जिसकी 290-291 ताजीरात पाकिस्तान ये कहती है जो किसी ट्रैफिक में रुकावट पैदा करता है अवाम में दुश्वारी, ठीक है, ट्रैफिक में रुकावट पैदा करता है अवाम को तकलीफ पहुंचाता है उसके खिलाफ ताजीरात पाकिस्तान हरकत में आती है जी, एफआईआर लॉन्च कर सकती है जी, एफआईआर काट सकती जी, लॉ भी क्लियर कहां बेगाया मैं एडवोकेट आल्सो इट रिस्ट्रिक्ट कि अगर आपकी ब्लॉकेज है
इट इज नॉट ए ब्लॉक, इट इज अ रनिंग ट्रैफिक। लेट मी नॉट कहां, नहीं गलत बात आप कर रहे हैं, कहां कि क्या गलत बात चीज है जी, ब्लॉकेट सर और चीज है, ये है परेशानी बनाना ट्रैफिक में और आवाम को तकलीफ पहुंचाना। क्लियर है कि आवाम में अनाज को तकलीफ पहुंचाना जी। अच्छा जावेद साहब, एक मेरी मेरा सवाल, अड्डे बने हुए हैं जी, सुखी पिकअप के अड्डे बने हुए हैं, ये बैर खड़े होते हैं, वो हटाए, बस उन्हीं के खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, ये पर्चे उन्हीं के खिलाफ हो रहे हैं, ये है वो जब भी सुखी पर्चे होते हैं इनके खिलाफ हो रहे हैं, जो भी आसानी पैदा करेगा हम उसके साथ खड़े, पर्चे हो रहे हैं जो खड़े हैं ना गलत, उनके खिलाफ पर्चे हुए हैं, जो आपको गलत कहते हो गलत कहते हैं। जब उधर 3000 बाइक का स्टैंड बनाया हमने, खुद अपनी मदद आप बनाया हमने, आपको पता किस लिए कि मैं 11 बजे से आया हूँ, जिस तरह मैं इतने पसीने निकले अभी तक मैंने पानी पियो, पैदल जा रहा हूँ कभी उधर कभी उधर। सर आई नो दैट, अपना हम ये कह रहे हैं मिल के आपको पत्नी क्या कहते हैं, ये वही लोग हैं जो डबल डबल पार्क देख ले, हमें दिखाता हूँ अभी दिखा दो, खाली गाड़ी खड़ी होगी, ड्राइवर भी नहीं होगा, गोदाम बने हुए हैं ठीक है, वो यहाँ पे सुबह गलत डील करते हैं, जो आगे जो भी आपका अपना जाता है या कोई भी जाता है गलत डील करते हैं। 11 मुहर्रम के बाद हमने इसकी ये प्लानिंग की हुई है, साथ चलो मेरे साथ, मैं अब जी लाइने लगनी है इंशाल्लाह ताला, इधर जद का अपने हाथ में कर देना है, लेकिन उससे पहले ये होता है, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हम आसानी पैदा करें लेकिन हम ज्यादती ना करें ना, हम आपके लिए कर रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं है ये, हम मार्केट को चलाने के लिए कर रहे हैं। ताजरान का हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ जो तावुन है वो अगर नहीं होगा तो ये ट्रैफिक जो मार्केट की है उसमें रवानी अच्छे तरीके से नहीं आ सकेगी इंशाल्लाह ताला। एक न्यूट्रल राय ले लें इसके ऊपर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रल राय मुझे चाहिए, ये FIR लॉन्च करते हैं, ये सिफारिशात करते हैं और कागज पे लिख के देते हैं कि आइंदा ये बंदा ऐसा नहीं करेगा, इसकी FIR वापस ले जाए। दो सवाल यहाँ पे पैदा होते हैं, क्या ये अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए FIR काटते हैं, और ये जो सफेद कागज के ऊपर सिफारिश लिख के देते हैं इसके बारे में क्या कहें? अच्छा इसमें ये है, मैं आपको बताता हूँ कि जो 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 इन्होंने सिफारिश की है वो सिफारिश सिर्फ ये की है कि मोहलत मांगी है, ताजर जो जितने भी ताजर रहनुमा यहाँ पे हैं वो एक ताजर कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन मुतअद्दद अब अगर आप ये देखेंगे कि मुतअद्दद बार यहाँ पे जो है वो पीली लाइंस लगाई गई, मुतअद्दद बार जो है वो यहाँ पे रेड लाइंस भी दी गई, मेयर साहब भी यहाँ पे आए, DC साहब भी यहाँ पे आए, लेकिन मसला वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और जहाँ तक अगर ट्रैफिक पुलिस का काम है तो मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक पुलिस जो है अब इतनी जो है वो स्टक हुई हो, ट्रैफिक जाम हुई हो, उसको किस तरह वो खुलवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये होलसेल की मार्केट है जो कि, और सबसे अहम तरीन बात यह है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे पुराने शहर हैं, ओल्ड सिटीज़ हैं, वो टूरिज्म के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। ये वाहिद जो है अंदरून लाहौर है, लाहौर का, जहाँ पे होलसेल की मार्केट बनी हुई है। यहाँ पे आप अगर बिल्डिंग्स देखें तो 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे छोटी छोटी गलियों में जो है वो यहाँ पे ना सिर्फ गोडाउन बन चुके हुए हैं बल्कि होलसेल मार्केट। मेरा ख्याल है कि ये ट्रैफिक का मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक इस पूरे सिस्टम को तब्दील नहीं किया जाएगा कि ये होलसेल की मार्केट ना रहे। जो है वो ये तजावजात किस हद तक जो है वो बढ़ चुके हुए हैं, मतलब कि ये बिल्कुल यहाँ पे जो मतलब। अगला सवाल, जिस तरह से माल रोड के ऊपर अभी ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो बिल्डिंग्स हैं उनको रिस्टोर करने के लिए उनके आगे से बिलबोर्ड हटाए गए हैं, अब देखिए कितनी खूबसूरत पीछे मस्जिद है, लेकिन बैनर्स, तारों का जाल और आगे तजावजात की वजह से ये मस्जिद नजर नहीं आ रही है, उसका हुसन हम नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक ऑपरेशन की जरूरत है, यहाँ पे भी एक ऑपरेशन दरकार है, और यहाँ पे भी एक लाहौर हाईकोर्ट का जो हुक्म है वो नोटिस जो है वो सर्व होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप ये देखें तो 10 साल पहले जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान बनाया गया कि शालम मार्केट की जो होलसेल मार्केट है इसको जो है वो शहर के बाहर जो है वो मुंतकिल किया जाए, जहाँ पे होलसेल बड़े बड़े ट्राला आते हैं, यहाँ पे पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के छोटे ताजर जो है वो यहाँ पे खरीदारी के लिए आते हैं, जो अपनी दुकानों पर जो है वो खरीदारी करते हैं। बात फिर वही है कि अगर आप ये देखें, अगर जो है हमारा कैमरामैन दिखा सके, ये सामने जो बिल्डिंग है बिल्कुल कितनी खूबसूरत पुरानी खूबसूरती, और ये तारीखी है, ये लाहौर की सकाफत है, लेकिन लाहौर की सकाफत जो है वो इस वक्त जो है वो तजारती सरगर्मियों के नीचे जो है वो कहीं पे दब चुकी हुई है, चाहे वो माल रोड हो, चाहे वो हाल रोड की कदीमी बिल्डिंग हो, मार्केट हो। गुजरना है मैंने और आप देखें कि शहजादे ने यहाँ पे बाइक, आप ये देखें इस बाइक के साथ ना इन ताजरों का कोई ताल्लुक है, ना उस ट्रैफिक वार्डन का है, इस बाइक के साथ जो है वो एक शहरी का ताल्लुक है जिसमें आपकी बाइक है। पक्की बात है, बड़ा आप जोश के साथ आए हैं कि वो भी ये देखें लॉक करके गया हुआ है कि इसे कोई जो है वो हिला ना सके। यही सूरत हाल आगे है, अगर चलना है किसी को तो ट्रैफिक के बीच में से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब आप लोग जवाब मैं आपको दे देता हूँ, इसका जवाब
हमने अपनी काविश से, अपने दोस्तों के फंड से तकरीबन शालम मार्केट से लेके मोची गेट तक अब सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर पार्किंग बनवाई हुई है, मगर बावजूद नोटिफिकेशन के, बावजूद पर्सनल कॉन्टैक्ट के, लोग नहीं खड़ी करते। ये सभी लोग जो हैं ये आप ही के ताजर हैं, आपकी यूनियन के, मतलब कि वही मैं ही कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुसीबत ये है कि यहाँ पे इलेक्टेड नहीं है लोग, सिलेक्टेड है। मैं अभी रास्ते में आते हुए दिखा रहा था, ये बोर्ड देखो यार, ये फलाने सदर का मार्केट, सिर्फ दुकानें कितनी है 20। अब ये मैंने जिस तरह आपको 3 सदर बनाए, ये इलेक्टेड सदर है, इनके अल्लाह के फजल से कोई वायलेशन नहीं होने देते। अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कह रहे हैं कि ये जो पार्किंग लगी हुई है ये दुकानदारों के नहीं है, यहाँ पे जो खरीदार आते हैं उनकी कस्टमर की ज्यादा है। कैसी बात करते हैं, एक एक बिल्डिंग में कुछ 40 से 50 दुकानें हैं, वहाँ मुलाजमीन भी हैं, वहाँ मालिकान भी हैं। क्या वो फिर मुझे लगता है फ्लाइंग कारपेट के ऊपर उड़ते हुए अपने घरों से दुकानों पे पहुँचते हैं? अगर 50% स्टाफ मेंबर की, यहाँ के कस्टमर की ना, तो 50% दुकानदारों को भी है। ये नहीं है कि हम कह रहे कि हमारी नहीं है, लेकिन ये है कि अपने दुकानदारों के लिए हमने पार्किंग प्लाजा बनाया हुआ, जैसे पार्किंग बनाई है चाहिए वहाँ पे। आप इस वक्त जाके देखें कम से कम 500+ पर मोर देन। आप क्या कहना चाहते हैं? देखें पार्किंग, अब जो कस्टमर आता है या दुकानदार हैं वो अपनी बाइक या गाड़ी कहाँ खड़ी करें? ये कदीम शहर है, यहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम है, मगर ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हल करें हमें पार्किंग दे। हमने आपकी पार्किंग की प्रॉब्लम के हवाले से तो हमने बात कर ली है, ठीक है, वो हुकामे बाला तक, कंसर्न अथॉरिटी तक और इदारों तक पहुँचा दी है। अब आती है आपकी इसलाह की बात, आप तजावजात का बटा रहे हैं। नहीं, हमारी तजावजात तो यहाँ पे है ही नहीं है मैडम। दुकानों के आगे स्टॉल लगाते हैं। एक सेकंड, नहीं नहीं वो तो देखें, हम स्टॉल लगाते हैं, अपनी दुकानों का सामान सड़क के ऊपर रख के बेचते हैं। अगर हम लोग स्टॉल लगा हुआ ना हमारी तरफ से, तो मसला ये है कि ये इंक्रोचमेंट का एक महकमा बना हुआ है, ये उनकी ड्यूटी है इंक्रोचमेंट को खत्म करना। अगर वो आके 500,000 लेके इंक्रोचमेंट को खत्म करना उनकी ड्यूटी है। सर सर सवाल 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 आने देना। एक यहाँ पर ऑपरेशन होता है इंक्रोचमेंट के खिलाफ, इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करके इंतजामिया यहाँ से जाती है और जाने के बाद इंक्रोचमेंट दोबारा से लग जाती है, इसमें इंतजामिया का कसूर है? ये मैं एक बात बता दूं, उसको किसने कंट्रोल किया? नहीं, ज्यादती वाली बात। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस पे ताजर जो है, इस पे ताजर 100% कसूरवार है। उसके साथ जो है वो बल्दिया उज़्मा भी है। मैं अब आपको बताता हूँ किस तरह, अगर हम इस दुकान के सामने चले जाते हैं, आप आए जी, हमारा कैमरा मैन दिखा देता है, क्या ये टेबल इस तरह लगाने की इजाजत है? क्या कॉरिडोर में कब्जा करने की इजाजत है? ये बाकायदा एक कॉरिडोर है। अगर ये कदीमी शहर था, ताजरों के मसाइल हैं, यहाँ पे एक ही प्लाजा है पार्किंग का, जबकि 2 प्लाजा मंजूर हो चुके हुए हैं, उनके नक्शा जात मंजूर हो चुके हैं, एक जो है वो शेरावाला बाग में और एक मोची बाग में। हुकूमत अपने एंड पे काम नहीं कर रही, इस बिल्कुल ठीक है, लेकिन ताजर अपने बट साहब आप भी, मलिक साहब यहाँ पे मौजूद है, वो भी, आप तमाम मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैंने बींग एन एंकर एक न्यूट्रल बात करनी है, जो आपके हक में है पार्किंग की बात वो मैंने आपके हक में करनी है, जो इंक्रोचमेंट उस तरह से एक कॉरिडोर पे कब्जे करने की बात है वो आपके खिलाफ है, वो मैंने करनी है। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिए, नाज़रीन एक ब्रेक की इजाजत दीजिए मुझे, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आगे की सूरत हाल और अगली मार्केट के सदूर से आपको मिलाएंगे और वहाँ के क्या मसाइल हैं ये भी कैमरे की आंख से फिल्म बंद करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं।